हेलो स्टूडेंट वेलकम टू वीपी एजुकेशन मैं विकास पांडे आप सभी का वीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर फाइव से 5.3 के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं क्लास थर्ड का क्लास का चैप्टर नंबर से एक्सरसाइज नंबर 5.3 को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को देखेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है फाइव पॉइंट थ्री के अंदर पहला क्वेश्चन आपका है ए पार्ट में राइट द क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन सम्स ये आपका पहला क्वेश्चन है चलिए आइए समझते हैं किसको आपको किस तरीके से करना है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ विथ सोल्यूशन यानी आंसर के साथ सारे क्वेश्चन को हमने आपको बताया है चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं उन सभी का आपको क्या करना है क्वेश्चेंट फाइंड करना है क्वेशेंट की हिंदी होती है भागफल ठीक है क्वेश्चन यानी उत्तर आपको बताना है इन सभी डिवीजन का ओके स्टूडेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप देखिए फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया पहला क्वेश्चन है आपका 217 डिवाइड बाय 1 217 को 1 से डिवाइड करना है सो so, स्टूडेंट जब कभी भी हम एक किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं मतलब हम किसको डिवाइड कर रहे हैं 217 को डिवाइड कर रहे हैं किसके द्वारा वन के द्वारा तो जब कभी भी किसी भी ऐसे नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो सेम एट इट इज जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वही हमारा क्वेश्चन हो जाता है वही हमारा आंसर हो जाता है आइए समझिए कैसे अगर हम वन का टेबल 217 टाइम करें तब जाकर के हम 217 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं वन वन जा वन वन टू जार टू वन थ्री जार थ्री यानी वही नंबर आपका क्या होता है कापी होता रहता है जितनी टाइम सब उसका टेबल करते हैं ओके okay, स्टूडेंट तो अगर हम वन का टेबल टू हंड्रेड सेवनटीन टाइम रीड करेंगे तब जाकर के आपका टू हंड्रेड सेवनटीन क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा टू हंड्रेड सेवनटीन टाइम्स में ओके okay? तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा टू हंड्रेड सेवनटीन क्लियर हुआ चलिए आगे देखते हैं टू वाले में क्या है टू वाले में दिया गया टू थ्री हंड्रेड 45 डिवाइड डिवाइड बाय 1 1 345 को से करना सेम क्वेश्चन है आप देख सकते हैं तो अभी हमने कहा ऐसा नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसको हमको 1 से डिवाइड करना है तो सेम टू सेम जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वही हमारा क्वेश्चन यानी आंसर के रूप में आ जाता क्लियर हुआ क्योंकि वन का टेबल बेटा जी हम जब 345 टाइम्स करेंगे तभी ना जाके ये डिवाइड होगा समझ में आया आप सभी को तो यही इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन तो हो जाएगा क्लियर हुआ चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री इसका है वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई वन सेम टू सेम क्वेश्चन है तो हमने कहा चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो अब यहाँ हंड्रेड तक के प्लेसेस के नंबर से यहाँ देख से रहे हैं आप लोग थाउजेंड प्लेसेस के नंबर हैं वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लेसेस तक हैं तो कोई बड़ा हो या छोटा हो जब हम उनको वंस डिवाइड करते हैं तो सेम वही नंबर हमारे आंसर यानी क्वेश्चन के रूप में आ जाता है क्लियर हुआ तो ये आपका वन से डिविजिबिलिटी का तरीका था इस तरीके से हम इसको करेंगे समझ में आया चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फोर है आपका जीरो डिवाइड बाई थर्टी नाइन ठीक है जीरो को थर्टी नाइन से क्या करना है डिवाइड करना है याद रखिए जब हम कभी भी जीरो का डिवाइड कराते हैं या हम जीरो का टेबल कर रहे हूं यानी जीरो का टेबल रेड कर रहे हूं या हम जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों ही प्लेसेस uh, पे क्या होते हैं दोनों ही स्थान पर हमारा आंसर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है क्लियर हुआ चाहे आगे आपका जीरो लगा हो चाहे पीछे जीरो लगा हो दोनों ही कंडीशन uh, पे आपका क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन जीरो हो जाएगा क्लियर हुआ चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा फाइव नंबर पे देख रहे हैं सेम टू सेम अभी हमने आपको समझाया इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा सिक्स में देख लीजिए सेम वही क्वेश्चन है जीरो को डिवाइड कर रहे हैं इस बड़े वाले नंबर से तो चाहे जीरो का टेबल करें या हम बड़े वाले नंबर से जीरो में टेबल करें दोनों ही कंडीशन में आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर हुआ चलिए देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चन है हमारे चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन uh, भी है तो सेवन को आप देख लीजिए 84 फोर डिवाइड बाई एट्टी याद रखिए जब हमारे दोनों ही नंबर क्या होते हैं कॉमन होते हैं तो ऐसे ही ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर हमेशा वन आएगा ठीक है समझिए कैसे यहाँ देखिए 84 को 84 के द्वारा ही डिवाइड करना है समझ में आया आपको 84 को 84 के द्वारा डिवाइड करना है तो 84 फोर 84 तो यानी 1 टाइम 84 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इसलिए आंसर हमारा क्या जाएगा? One आ जाएगा 1 आ जाएगा क्लियर हुआ चलिए आगे देखिए सेम क्वेश्चन है दोनों देखिए टेबल करने वाला और डिवाइडेंट यानी जिसको हम डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं दोनों ही नंबर हमारा क्या है कॉमन है एक जैसा है इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा वन ही आएगा क्लियर हुआ बेटा समझ में आया चलिए इसका एक क्वेश्चन है और नाइन वाला देख लीजिए यहाँ जीरो को डिवाइड कर रहे हैं किसके द्वारा वन के द्वारा तो यानी चाहे जीरो का टेबल करें या वन का टेबल जीरो में करें तो दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा हमारा जीरो हो जाएगा क्लियर हुआ सारे बच्चों का तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन जिसमें टोटल नाइन क्वेश्चन थे और हमने इनको वन बाई वन क्लियर कर लिया चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ये आइए है है, समझते हैं क्या क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स तो जानते हैं मींस होता है क्या भरना इन मींस में द ब्लैंक्स मींस खाली स्थान खाली स्थान में क्या करिए भरिए ठीक है खाली स्थान को भरिए चलिए अभी हमने जो ऊपर आप ए पार्ट में डिवाइड को देखे हैं सेम टू सेम उसी तरीके से ये आपको करना है बस थोड़े से इनके प्लेसेस आगे पीछे दिए गए हैं चलिए आइए वन बाय वन हम क्लियर कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर तो हमने ट्रे कहा था कि जब आपके दोनों ही कामन नंबर्स आए यानी आगे पीछे दोनों ही एक एक ही नंबर्स लिखे गए हों उसमें कोई डिफरेंट ना हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी कंडीशन में आंसर हमारा क्या आता है वन आता है क्लियर हुआ क्योंकि इस नंबर का टेबल हम वन टाइम कर दें तो इस नंबर के बराबर हो जाएगा इसलिए हम इसको वन टाइम में डिवाइड कर सकते हैं क्लियर हुआ सारे बच्चों को तो चलिए बेटा आगे के क्वेश्चन को देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हमारा है यहाँ पे आपका पहले क्या था ब्लैंक स्पेस था क्या था ब्लैंक स्पेस था तो हमने आंसर भर दिया आइए समझते हैं अगर हम इसको क्या कर दें कवर कर दें तो क्वेश्चन था आगे कि यहाँ पे जहाँ हमने फिंगर रखा है यहाँ पे आपको क्या करना था यहाँ पे आपको खाली जगह है भरना था और यहाँ पे क्वेश्चन दिया था क्या डिवाइड बाय वन यानी किसी नंबर को डिवाइड करिए किसके द्वारा वन के द्वारा और उसका आंसर कितना आना चाहिए थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव किसी नंबर को वन के द्वारा डिवाइड करिए तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी चाहिए तो कितनी सिंपल सी बात है अभी हम जब ऊपर सॉल्व कर रहे थे आपने देखा था कि जब हम किसी भी नंबर को वन के द्वारा डिवाइड कर रहे थे तो सेम टू सेम वही नंबर हमारा क्वेश्चन में कॉपी हो जा रहा था मतलब जो क्वेशन में ये नंबर आ रहा था वही तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर भी आएगा समझ में आया यानी वन का टेबल अगर हम 325 टाइम रीड कर दें तब जा के यह नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो यानी यहां पे क्या आना चाहिए 325 और वन से जब इसको डिवाइड कराएंगे आप तो आंसर आएगा 325 क्लियर हुआ सारे बच्चों को चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर नंबर में दिया गया है डिवाइड दोनों ही एक जैसे हैं कॉमन है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन वन आ जाएगा क्या जाएगा वन आ जाएगा अभी हमने इसको ऊपर क्लियर किया था ठीक है अब चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ भी जैसे क्वेश्चन नंबर टू हमने किया था वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर हमारा फोर भी है तो यानी फर्स्ट प्लेस पे क्या था खाली जगह था आपको वन से किसी नंबर को डिवाइड करके आंसर लाना था कितना 1445. तो जानते हैं ना जब हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो वही सेम टू सेम नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे होते में कापी हो जाता मतलब जो क्वेश्चन में रहेगा यानी आंसर में रहेगा वही नंबर हमारा फर्स्ट प्लेस पर भी आएगा जिसको हम डिवाइडेंड कहते हैं क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए दिया गया है पहला प्लेस आपको भरने के लिए दिया था तो यहाँ पे हमने भर दिया है यानी फिलअप है तो चलिए कवर कर देते हैं इसको अब देखिए क्वेश्चन है आपका किसी एक नंबर को डिवाइडेंट को डिवाइड करना है किसके द्वारा 230 के द्वारा डिवाइड करना है जिसका आंसर वन आना चाहिए जिसका आंसर क्या आना चाहिए वन तो देखिए जब आंसर यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर थ्री के थ्रू समझें तो जब आंसर वन आता है तो इधर के दोनों नंबर क्या होते हैं एक जैसे होते हैं कॉमन होते हैं तो यानी यहाँ 230 है तो फर्स्ट प्लेस पर भी 230 होना चाहिए तो यानी 230 का टेबल जब टू हम करेंगे वन टाइम तो क्या आ जाएगा हमारा ये डिवाइड हो जाएगा तो यानी फर्स्ट प्लेस पर 230 और सेकंड प्लेस भी 230 जब दोनों ही नंबर कॉमन होते हैं डिवाइड करते समय तब हमारा आंसर क्या आता है वन आता है क्लियर हुआ बेटा चलिए आगे दे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए आपको दिया गया सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पे खाली जगह था आपको करने के लिए भरने के लिए था यहाँ 325 है है ना 300 25 है तो यानी किसी एक नंबर को 325 के द्वारा डिवाइड करिए जिसका आंसर 1 आए तो जब आपका आंसर 1 आता है तो इधर के दोनों नंबर क्या होते हैं कॉमन होते हैं एक जैसे तो 325 325 क्लियर हुआ ये था बेटा आपका चैप्टर नंबर, नंबर 5 से एक्सरसाइज नंबर 5.3 हमने हर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया इसमें टोटल ये टू क्वेश्चन थे ए पार्ट में हमको क्या करना था क्वेश्चन फाइंड करना था बी पार्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक करना था डिवाइड की ये क्वेश्चन थे क्लियर हुआ आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे तो यहाँ पे आपका 5.3 एक्सरसाइज क्लोज होता है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय